हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि आर डी शर्मा से मैंने कुछ टॉपिक्स को उससे निकाला है और कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं आपके आर डी शर्मा से। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं हीरोन्स फार्मूला के। देखिए बेसिकली आपको पता है कि हीरोन्स फार्मूला का जो फार्मूला होता है वो होता है एस इज इक्वल्स टू अंडररूट के अंदर, सॉरी अंडररूट नहीं, यहाँ एरिया आएगा, ये एरिया होता है, एरिया होगा, ये एरिया के अंदर आता है एस ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है आपका हीरोन्स फार्मूला। और एस जो होता है यहाँ पर होता है सेमी पैरामीटर, क्या होता है सेमी पैरामीटर। और सेमी पैरामीटर की जब हम बात करेंगे तो वो होता है एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। ओके ये है, तो देखें अभी देख लेते हैं इसका, ये दो फार्मूले के साथ ही हम इस पूरे चैप्टर के एरिया को निकाल सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला जो है इस्तेमाल होता है ट्रायंगुलर शेप में, अगर किसी का एरिया फाइंड आउट करना है तो वो हम हीरोन्स की तरफ से कर सकते हैं, यदि हमें उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ कोई भी अलग अलग डायरेक्शन में दे रखी हो, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, थ्री साइड का आप जानते ही हैं कि ट्रायंगल होता है। अब ट्रायंगल की शेप्स अलग अलग बनती हैं तो उस कारण आप हीरोन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके सामने, एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से कर पाते हैं। देखें यहाँ पर है ए, ओके यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी एंड यहाँ पर है डी। ओके ए बी इज इक्वल टू आपको दिया है, ए बी इज इक्वल टू दिया है थ्री, ए बी इज इक्वल टू थ्री दिया है एंड बी सी इज इक्वल टू आपको जो दिया है वो फोर। ओके बी सी इज इक्वल टू आपको जो दिया है वो फोर एंड सी डी जो दिया है आपको वो दिया है फोर और ए डी जो दिया है, ए डी जो दिया है वो है आपका फाइव। एग्जैक्ट क्लियर? ओके जब आप डायगनल की बात करेंगे तो ए सी इज अ डायगनल, क्या ए सी इज अ डायगनल, तो देखें ए सी जो दिया गया है वो है आपका फाइव, क्या है फाइव। तो मैंने ए सी आपका यहाँ खींच लिया और ये है आपका फाइव, ये आपका फिगर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी ए बी सी डी, ए बी आपको दिया है थ्री, बी सी जो दिया है वो फोर, सी डी जो दिया है वो फोर और डी ए जो दिया है या ए डी जो दिया है फाइव और डायगनल भी आपका फाइव दिया है। तो अब हम जानते हैं, देखिए इसमें दो पार्ट बन चुके हैं, एक तो ट्रायंगल ये बन चुका है, एक ये ट्रायंगल बन चुका है। इस पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये हाइट है इसकी, तो देख लेते हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या ए बी सी, तो ए बी सी में आप देखेंगे एरिया का फॉर्मूला होता है वन बाई टू हाइट, वन बाई टू हाइट इंटू बेस, क्या होता है हाइट इंटू बेस। तो एरिया अब हम निकालेंगे इसका, तो ए बी सी का, ए बी सी तो यहाँ वन बाई टू होगा, हाइट है आपके पास फोर एंड बेस है आपके पास थ्री। ठीक है, तो ये टू से टू जाएगा कैंसिल आउट, तो आपका आएगा सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, चलिए सेंटीमीटर में पूरी यूनिट रखिए, तो सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इस वाले पार्ट। अभी हमें निकालना है इसका है, तो सबसे पहला काम देखिए, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है कहीं पे, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हीरोन्स का इस्तेमाल करेंगे। हीरोन्स का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सेमी पैरामीटर, तो ए आपके पास है फाइव, बी आपके पास है फाइव एंड सी आपके पास है फोर, ये हो गया और यहाँ पर आ गया टू। तो एस की जो वैल्यू आई वो आ गई आपके पास सेवन, क्या आ गई सेवन। अब आप एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ए डी सी ट्राइंगल ए डी सी, तो ये आएगा एस, एस आपका सेवन है, सेवन माइनस फाइव, सेवन माइनस फाइव और सेवन माइनस फोर, क्या सेवन माइनस फोर। जब आपने देखा कि एस सेवन माइनस फाइव तो सेवन का सेवन हो गया, यहाँ आएगा टू, यहाँ आएगा आपका टू, यहाँ पर आएगा आपका थ्री, क्या आएगा थ्री। क्लियर, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो देखें जब आपने पेयर बनाया तो टू का बाहर आएगा, तो यहाँ पर आया टू और अंडर रूट के अंदर आया आपका ट्वेंटी वन। ओके ये वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गई। अगर आप देखें कि आपको जो वैल्यू दी गई है वो रूट ट्वेंटी फाइव वन की वैल्यू दी गई है तो ठीक है, बट यहाँ पर नहीं दी गई है तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है तो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ। ये आपकी जो वैल्यू आएगी 4.58 अप्रोक्स आएगी, ठीक है। तो टोटल अगर जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ये वैल्यू आ जाएगी।
जब एरिया की बात करेंगे तो टोटल एरिया जब देखेंगे दोनों फिगरों का, तो एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी की बात करेंगे तो ट्रायंगल फर्स्ट ए बी सी प्लस ट्रायंगल सेकंड क्या हो जाएगा, ए डी सी, प्लस कर देंगे तो प्लस करने पर आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 6 प्लस 9.16, ठीक है। जब इन दोनों को प्लस किया आपने तो आपका जो आंसर मिलेगा वो होगा 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए द साइड ऑफ क्वाड्रेंगुलर फील्ड, क्वाड्रेंगुलर कोई फील्ड है इसकी साइड आपको दी हुई हैं, तो आप देखिए साइड आपको दी गई हैं 26, 27 है। यहाँ पर मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, देख लेते हैं। फिगर है इस तरीके से कि आपका एक यहाँ से इस तरीके से मैंने एक फिगर ड्रॉ कर ले रहा हूँ जो कि क्वाड्रेंगुलर टाइप का है, ओके। इस टाइप से ये मैंने आपको थोड़ा सा ये इस तरीके से, ठीक है सर, इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। तो ये वाली वैल्यू है ए एंड बी एंड सी एंड डी। करना ये है आपको, देखिए यहाँ ए सी इज अ डायगनल, क्योंकि जो आपको सी है वो राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा ए डी सी, क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा ए डी सी। अब देखिए आप सबसे पहली साइड जो है वो है 26, ये वाली साइड 26 है, सेकेंड साइड आपकी 27 है, ध्यान रखना ये मीटर में है तो आंसर आपका मीटर में आएगा, और ये वाली साइड 7 है और ये वाली साइड है आपका 24, ठीक है। डायगनल इसमें नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से आपका डायगनल निकाल लेंगे। जब आप इससे डायगनल निकालने की बात करेंगे तो आपका डायगनल आएगा 25, क्योंकि आपने ट्रिपलेट पढ़े हों तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये 25 आएगा, क्या आएगा, 25, ठीक है, ये 25 ही आएगा। आप देख लेते हैं, बता दूंगा, आपको नहीं समझ आ रहा है ट्रिपलेट तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, सॉरी यहाँ पर एरिया है ये, इसका मीन्स एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी 1/2 हाइट इंटू बेस, ओके। तो हाइट है आपके पास 1/2 और यहाँ पर हाइट की आप बात करेंगे 1/2 हाइट है आपके पास 24, क्या है 24 इंटू 7 है उसका बेस, यहाँ ये हो गया 12, क्या हो गया 12, और जब ये 12 हो गया तो ये हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगेन आपने देखा क्या कि एक का ट्रायंगल का एरिया तो मुझे मिल चुका है, इस शेप का तो एरिया मिल चुका है, बट इस वाली शेप का नहीं है ना, तो अब मुझे इस शेप का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पर करना होगा ये कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँगा तो वो होता है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, क्लियर। तो एस की वैल्यू निकाल लीजिए आप, एस की वैल्यू आपने निकाली तो थ्री साइड्स आप गिवन हैं तो आप उनको ऐड करके टू का डिवाइड दे दीजिए, 25, 26, 27 डिवाइड बाई टू, ये आपने किया 11 और ये 18 का 1, यहाँ पर आएगा 2, 2, 2, 6, 7 और ये डिवाइड दिया 2 से, तो आपने जो देखा आपका जो वैल्यू आया वो आया 3939, ओके ये होगा। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए एरिया में, एरिया के हिरोन्स फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट की तो यहाँ पर आ जाएगा 39 माइनस ए, यानी कि आपने ए को माइनस किया 39 से तो वो आया आपका जो है, देखें 39 ए है हमारे, किसी भी एक साइड को ले लीजिए, इसको ले लीजिए, 39 से माइनस किया तो आपको मिलेगा 4913, यानी कि 13 ही मिलेगा यहाँ पर, इनटू किया अगेन आपने तो
तो जब मैंने इसको 27 को माइनस किया, 27 को माइनस करेंगे बी साइड लेकर, तो बी साइड 20 उसको लेंगे तो यहाँ बचेगा 14 और देन यहाँ पर बचेगा 15, क्या बचेगा 15। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। अब इनके फैक्टर कर लीजिए आप। फैक्टर जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, देखें यहाँ मिलेगा आपको, इसके फैक्टर हो सकते हैं 13 × 3 × 13, क्लियर, 2 × 7, क्या 2 × 7, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5, क्या हो जाएगा 3 × 5। अब जो आपका ब्रैकेट से बाहर आ रहा है वो वैल्यू ले लीजिए, एक तो 13 आ रहा है, क्लियर सर, एक 3 आ रहा है, बिल्कुल सर 3 आ रहा है, क्या 2 आ रहा है, देखें 13 हो गया, 3 हो गया, 2 नहीं हुआ आपका। यहाँ आप देख सकते हैं कि 70 आ रहा है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें 7 या 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि कोई भी पेयर नहीं बन पा रहा है, 7 का भी कोई पेयर नहीं बन पा रहा है और न ही 2 का कोई पेयर बन पा रहा है, है ना, न ही 2 का कोई पेयर बन पा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इन पूरी वैल्यूज़ को इसी जस का तस आप लिख देंगे, क्या करेंगे जस का तस आप लिख देंगे, है ना, 12 13। ये थोड़ा मुझे मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे एक इसको माइनस करके देखा तो यहाँ पर आपका 39 14 12 आएगा बेटा, यहाँ पर ये 12 आएगा, मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ओके यहाँ 12 आएगा। तो इस तरीके से आप इसे 12 लिखेंगे और 12 लिखने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगा 39 13 × 2 × 7 और यहाँ पर होगा 4, क्या होगा 4, 4 का पेयर एक बाहर आ जाएगा बाकी अंदर रहेगा, तो अंदर का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा देखें 13 हो गया, ओके ठीक है, 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा, 13 × 2 हो जाएगा, ओके बाकी रूट के अंदर रहेगा, रूट के अंदर हो जाएगा आपका 14 और जब मैंने इसको देखा तो ये आपका मिलेगा 78 और यहाँ पर मिलेगा 14 और जब मैं इस रूट 14 की वैल्यू लगा लूँगा तो रूट 14 की वैल्यू लगाने पर मैं इसे पूरा सॉल्व कर लेता हूँ तो ये वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 29, पूरा कर लेता हूँ एक ही बार में, 2972 मीटर स्क्वेयर। तो ये दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं, एक वैल्यू ये रहा और एक वैल्यू ये रहा। अब टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों को एरिया को प्लस कर दिया, एरिया ऑफ 1 और एरिया ऑफ 2, दोनों एरिया को प्लस किया तो आपका आंसर जो आएगा वो होगा 84 + 291.72 और दोनों को ऐड किया तो आपका होगा 375.72 मीटर स्क्वायर, ये होगा ठीक है। अब आप देखिए, आप ये कह रहे होंगे सर कि आपने तीसरी साइड किस तरीके से निकाली थी, वो देख लीजिए। ट्रिपल एट का मीन्स ये था कि अगर हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है तो ये वाला 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा आपका AC का स्क्वायर। इस तरीके से मैंने निकाला था यहाँ से थर्ड साइड को, तो आप भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। साइड ऑफ रेक्टेंगुलर टेकन इन द ऑर्डर ऑफ 5, 12, 14, 15 मीटर रेस्पेक्टिवली। आपको साइड्स के रेशियोज़ दिए गए हैं रेस्पेक्टिवली कि आपका जो रेशियो है वो इस तरीके से है और आपको उसे जो है एरिया निकाल के दे देना है। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो एक सा ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको यहाँ पर करना यह है, ये एक कोई मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर कोई एक साइड मैंने ड्रॉ कर ली और इस तरीके से कोई एक फिगर ड्रॉ कर लेना है। जो फिगर है वो है आपका क्वाड्रिलेटरल टाइप। तो क्वाड्रिलेटरल टाइप की अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर है ABCD, सेम फॉर्मेट के सारे क्वेश्चन हैं, ये सेम फॉर्मेट के ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इस साइड को आप कहेंगे AC, क्या कहेंगे AC, एक ही फॉर्मेट है। एरिया आप इसका निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए, देन दोनों को प्लस कर लीजिए, आपका एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये थे हमारे थर्ड क्वेश्चन जो मैंने एक ही कॉन्सेप्ट पर लिए थे, यानी कि वन कॉन्सेप्ट था पूरे इसके अंदर, ठीक है। अब वन कॉन्सेप्ट के बाद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हीरोन्स की यूज़ कहाँ करते हैं और किस तरीके से लेते हैं। देखिए हीरोन्स का अगर कोई सेप ट्रायंगल की बन रही है तो हम हीरोन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाइट एंड बेस के इस्तेमाल से उसका एरिया निकाल देंगे। यदि कोई सेप आपको समझ नहीं आ रही है देन उसमें आप थ्री साइड्स की मेजरमेंट निकाल कर आप हीरोन्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 7500410322।
यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो उनको हमें सेंड करिए व्हाट्सएप पर, हम उनका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जिससे कि हमें आपको बेहतर कंटेंट देने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।